आज मथुरा में यमुना के किनारे तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इसमें आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। वो वहां पर आरती करेंगे यमुना के लिए, और यहां के मथुरा वासियों ने और स्पेशली बलदेव पब्लिक स्कूल ने एक आयोजन यमुना के किनारे रखा है। उसका मेन उद्देश्य होगा देश के साथ साथ हम लोग यमुना को कैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। यमुना के किनारे जो हमारा मेन मोटो होता है कि कैसे भी कोई गंदगी कोई नाला वहाँ पर नहीं जाए, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। हम वहाँ पर प्लास्टिक का यूज नहीं करें, हम लोग जो गंदगी करते हैं वहाँ पर नहीं करें, और हम लोग संकल्प लें कि हम न तो आज कोई भी गंदगी करेंगे, प्लास्टिक का यूज करेंगे, न कभी किसी को करने देंगे। जब तक संकल्प हम नहीं लेंगे, जब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। पर्यावरण को बचाना है तो हम लोग पेड़ पौधे जितने लगाएंगे, जितना वातावरण हमारा साफ होगा, ऑक्सीजन की अधिकता होगी। और जहाँ आज कोरोना काल में भी ये काफ़ी प्रॉब्लम आई है, वो हमारा पर्यावरण साफ सुथरा है, हमारी बॉडी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही है, इसलिए कोरोना भी हमारे भारत देश में ऐसा कोई भी गलत दुष्परिणाम नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोगों को इसको मुहिम आगे रखनी पड़ेगी।
भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।